कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कल ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे नाकाम करने की साजिश में है। पाकिस्तान किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर भारत में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहता है, और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया। ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। किसान नेताओं की ये जिद, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के लिए हट और अब हिंदुस्तान को अशांत करने के लिए पाकिस्तानी साजिश का हथियार बन गई है। पाकिस्तान की गिद्ध नज़र अब दिल्ली एनसीआर में चल रहे किसानों के इस प्रदर्शन पर है, ट्रैक्टर परेड पर है, जिसमें वो सोशल मीडिया के जरिए बड़ी गड़बड़ी फैलाने की फिराक में। 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल झूठी अफवाह फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ये दावा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल झूठी अफवाह फैलाने में लगे हैं, जिसे किसानों की ट्रैक्टर रैली को बाधित करने के लिए बनाया गया है। इन ट्विटर हैंडलों को पाकिस्तान में ही ट्रेस किया गया है। ये सभी हैंडल 13 से 18 जनवरी के दौरान बनाए गए। दावा ये भी कि पाकिस्तान इसके जरिए ट्रैक्टर परेड को ही हाईजैक करना चाहता है। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। आशंका ये भी है कि पाकिस्तानी आतंकी समूह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इन अकाउंट से वैसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं जो किसानों के प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली से जुड़े हैं। पुलिस भी अलर्ट है कि परेड के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो और सब शांति से हो। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूस इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान इसे अंजाम दे रहा है। हमने इसकी पड़ताल की। इंटरनेट की दुनिया में एंट्री करते ही हमें उन पाकिस्तानी अकाउंट्स की जानकारी मिली जो भारत में अफवाह फैलाने में लगे हैं। हमारे रडार पर सबसे पहले ये पाकिस्तानी अकाउंट आया, डेवेल्ग। हमने इससे बात की, शुरुआत सामान्य रही, लेकिन जैसे ही हमने एक झूठी खबर वायरल करने की बात की, हमें जवाब मिलना शुरू हो गया। हमने बताया कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में पुलिस लाठीचार्ज करेगी और केंद्र सरकार तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लेगी। इस फेक न्यूज़ को वायरल करना है। हमसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गई, बस जवाब आया कि काम हो जाएगा। महज 6 घंटे में भारत में 7 लाख लोगों तक ये खबर फैला दी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 26 नवंबर को पहुंचे थे। पिछले 61 दिनों से किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन गतिरोध जारी है। पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। खास बात यह है कि झूठी खबर फैलाने वाले ये पाकिस्तानी साइबर धोखेबाज किसान आंदोलन के वक्त ही पैदा हुए हैं। किसानों को इजाज़त जरूर मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी चिंता सिक्योरिटी को लेकर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान और इसके अलावा जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है, इसमें 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि किसानों की रैली को डिस्टर्ब किया जा सके, किसानों को मुसीबत में डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों को वो ट्विटर हैंडल्स दिखाए हैं, जिसके बाद किसानों ने इस बात की सहमति दी है कि जिस तरीके से जो रूट किसानों को बताया जाएगा, उसी आधार पर किसान अपने ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली की सीमा में दाखिल होंगे। अब जरा इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखिए, ये सभी नवंबर 2020 में बने हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड किसान आंदोलन को लगातार कानून व्यवस्था बिगाड़ने का जरिया बना रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि कैसे पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन भारत में ऑनलाइन तबाही मचाने को बेताब हैं। साइबर एक्सपर्ट्स भी इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं। गैर मुल्क के लोग हमारे देश में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं, उनका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और कितनी आराम से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं और कहां कहां इंटरनेट पे बैठे हैं और इतनी आराम से वो अवेलेबल हैं बात करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा मकसद हमारा था ये दिखाने का
जो आज बात हुई है कि ये कितनी इजीली मान जाते हैं हमारे देश की किसी भी इंटरनल मैटर में फेरबदल करके रूमर फैलाने के लिए और लोगों को भटकाने और बहकाने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसान आंदोलन के दौरान जब कोई भड़काऊ भाषण का पोस्ट डालता है तो कैसे कुछ ही देर में वो लाखों लोगों के बीच पहुंच जाता है और वायरल हो जाता है, कैसे भारत के आंतरिक मामलों पर दुनिया के मुल्कों में बहस छिड़ जाती है। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो किसान नेता क्यों नहीं, जिनकी हट की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर भारत को अशांत करने का मौका मिल गया है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।